भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बहुत खतरनाक है, वीडियो में आप देख लो कितना खतरनाक ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो अब चलते हैं ड्राइव पे और आप वो एंजॉय करो, बाकी बीच बीच में आपको मैं इसकी ऑफ रोडिंग शॉट्स बाहर से भी दिखाता रहूंगा। फाइनली आइलेक्स में हम आ चुके हैं, हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं जो कि हमें गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं भी ऑफ रोडिंग फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सर योर गुड नेम? पुनीत जैन जी हमें गाइड करेंगे, और पीछे एक भाई और है अंकित, ये भी ड्राइव करेंगे। एक एक करके टर्न होगी हमारी, फर्स्ट टर्न मेरी, बट आप उससे बातें बाद में करें बेटा, आप जो इनका ट्रैक है ऑफ रोडिंग वो एंजॉय करें। उनको क्लियरली जाने देंगे, ठीक है, थोड़ा आप आगे ले लो से कुछ आगे। और अब जब मैं आपको बोलूंगा स्टेयरिंग आपके ना 3 और 9 की पोजीशन में पकड़ना, घड़ी होती है ना देखिए 3 और 9, ओके, तो हमेशा स्टेयरिंग ये बेस्ट स्टेयरिंग पोजीशन होती है, ओके। और अब आप बोर्ड तो नहीं लगेगा वो? नहीं, बोर्ड दूर है। अब आप ब्रेक एक्सेलेटर सब छोड़ दो, छोड़ दो स्टीयरिंग इस ट्रैक से। यहाँ पे आपका गाड़ी नीचे जाएगी, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये मतलब ऑफ रोडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगी गाड़ी और अब उसके बाद जाएगी उस तरफ। पेशेंस और दोनों हाथ स्टीयरिंग पे काटेंगे, बहुत आराम आराम से चलेंगे, जहाँ गाड़ी आगे भागेगी ब्रेक से उसको रोकेंगे, ब्रेक से रोकी, okay. रोकी ब्रेक से करा, हाँ बस ब्रेक से आप कंट्रोल करके रखिए, आराम से जानी चाहिए, पीछे वाले को झटका नहीं लगना चाहिए, तो ब्रेक लगाइए, हाँ ब्रेक रिलीज, आराम से गाड़ी जाएगी, थोड़ा सा एक्सेलरेटर, ब्रेक, वेरी गुड। तो इसने एक्सेल को भी ट्विस्ट करा इसमें, इसने गाड़ी के सस्पेंशन की फ्लेक्सिबिलिटी या ट्रैवल दिखाया, ओके ओके, और एक क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन की ऑफ रोडर के होने के बाद वजूद भी, यहाँ रोक देंगे हम गाड़ी बिल्कुल, उसको जाने, सो क्लियर होने देंगे तब हम जाएंगे। आप कर लेना रिकॉर्डिंग, चलिए अपने आप धीरे धीरे बढ़िए, और थोड़ा लंबा लेफ्ट काटेगा राइट को लेकर पूरा, ताकि ज्यादा पूरा राइट को काट, स्पीड हल्की, स्टीयरिंग लंबा लेफ्ट काटेगा राइट को लेकर पूरा, ताकि ज्यादा पूरा राइट को काट। नीचे आएंगे तो हम ब्रेक के साथ नीचे आएंगे, हल्का सा फिर ब्रेक छोड़ेंगे, अब चढ़ेगी गाड़ी, हल्का सा एक्सेलरेटर देंगे, जब नीचे जाएगी फिर ब्रेक। सेकंड पॉइंट जहाँ पे गाड़ी आपका एक बार पीछे वाला टायर जाएगा और एक बार ऊपर वाला आगे वाला, देखो एक बार रियर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये, तो एक बार को ड्राइवर साइड वाला और एक बार इस साइड वाला, यहाँ प्रॉपर आपका गाड़ी इस तरीके से चलेगी। एक्चुअली सर मैं तो फर्स्ट ड्राइव ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। हिल्स पे तो काफी बार जा चुका अब वो नहीं, नहीं, अच्छा कर रहे हैं सर। कहते हैं ना रेटिंग आप देंगे 10 out of 10 क्या देते हैं ड्राइविंग को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। नहीं देखो हार्ट बीट तो ना थोड़ी ऊपर नीचे जाएगी सर, जाती है सर, बिल्कुल जाएगी, और अगर नहीं गई फिर मजा क्या आया, फिर मजा क्या आया फिर तो। कल मैंने एक्चुअली सिर्फ एज ए पैसेंजर बैठा था मैं, हाँ राइट लेंगे और फिर लेफ्ट वहाँ पर राइट लेंगे सर, लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट वाला जो है वो इस फट्टे पे आएगा टायर, और वो आपको थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे। यहाँ पे ड्राइव करते टाइम मुझे भाई कोई डर नहीं लगा, क्योंकि स्टीयरिंग का आइडिया था मुझे, तो यहाँ कुछ ऐसा है माइंड में था नहीं कि निकाल नहीं पाऊंगा या होगा, इजिली मैंने यहाँ से गाड़ी निकाल ली थी। यहाँ पे आगे मेरे को बिल्कुल भी डाउट्स नहीं थे, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन तो दिया था भाई ने,
बट इतने डाउट्स नहीं थे माइंड में, मुझे पता था इजीली गाड़ी यहाँ से मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ से मैंने इजीली गाड़ी यहाँ से लाते हुए अपने फोर्थ पॉइंट पे आ गए थे हम। यहाँ पे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गाड़ी का, राइट टायर इस पे ऑफ रोडिंग का, ऊपर नहीं इस लाइन के नीचे नहीं। फोर्थ पॉइंट अपना ये है भाई, अंदर से तो ऐसा लग रहा है मुझे को जैसे गाड़ी पलटेगी, गाड़ी हम पूरी, बट मैंने इतना ऊपर चढ़ाया नहीं से जैसा कि आप बाहर से देख रहे होंगे कवर करते हुए। तो यहाँ भी मैं सेफली निकाल ले गया। अब लो लगाएंगे, पुश करेंगे और हल्का टर्न करेंगे। अभी आपका लो हो गया, ओके। इसमें अब आपके पास टॉर्क और पावर बहुत आ गया, स्पीड मिनिमम होगी, ठीक है। अब आप चलिए, ये डी में डालिए, छोड़ दीजिए एक्सेल, अपने आप जाइए गाड़ी, क्रूज मोड में है अभी। हाँ ब्रेक्स रिलीज कर दूँ? ब्रेक्स हाँ करी भी है आपने। चढ़ने के लिए थोड़ा सा एक्सेलरेटर देंगे, हल्का सा, बहुत मामूली सा, ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है। दीजिए, इस पॉइंट पे आके तो बिल्कुल ही ऐसा एक्सपीरियंस था कि बस क्या बताऊँ, कोई ख़तरनाक भी नहीं था, पत्थर थे, बट ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी इस तरह का ट्रैक था, आगे टायर थे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा हो रहा है क्या? हाँ देने की ज़रूरत नहीं है अच्छा, अभी क्योंकि उस मोड में आप इसमें एक से पावर आपके पास ये है कि ऐसे भी चढ़ी जाएगी गाड़ी। तो चलिए थोड़ा नहीं, ब्रेक रिलीज करने पे एक्सीलेटर थोड़ा तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए। इसके अंदर जब जाएंगे ना डिच के अंदर, तो आराम से जाएंगे ब्रेक लेकर, ठीक है, ताकि एकदम ढंड से ना हम गिरे। ओके ओके, लेफ्ट काटिए, लेफ्ट काटना भूल गया। इजी, अब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए सर। ओके ओके, ब्रेक ले लिया सर, ब्रेक, सॉरी। चलिए अब इसमें क्या करेंगे सर, लेफ्ट टायर नीचे रहेगा, राइट टायर ऊपर रहेगा, और पूरी राइट को हम काट के रखेंगे गाड़ी, और बहुत हल्का सा एक्सेलेटर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे एक्सेलेटर छोड़ा झटका, एक्सेलेटर दिया झटका, वो नहीं करेंगे। देख रहे हो आप गाड़ी की पोजीशन, बस पूछो मत कि मैं अंदर से इसे कैसे ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत डर था मेरे अंदर। तो भाई ऑफ रोडिंग तो कर लो प्रॉपर जितनी करनी है, बट ये जो देख रहे हो ना आप गाड़ी, ये सोच लो 90 के एंगल पे चल रही है। जो इसके अंदर बैठा हुआ ना वो ही बता सकता है कि गाड़ी के अंदर कैसा महसूस हो रहा। भाई इजी नहीं है इस ट्रैक को पार करना, चाहे कितने ट्रैक देख लिए, बट इस ट्रैक को पार करना सबसे क्या था ना टफ वो था। उसको नीचे आने के लिए रुक जाइए,